अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। भाग और कहां तक भागेगा भाग? वो तो गली ने धोखा दे दिया, बीच में दीवार खड़ी कर दी वरना मैं भाग जाता। मैं इसी दीवार में तेरे को जिंदा चुनवा दूंगा। मैं कोई अनार खड़ी हूँ जो मुझे चुनवा देंगे? लोगों से झूठ बोलता है, तू अव्वल है? लो अव्वल तो मैं आया हूँ ना मामे। कहाँ से अव्वल आया? पीछे से अव्वल आया हूँ ना मैं। पीछे से अव्वल और मिठाई बांटता? अरे जीजा जी, आगे से अव्वल आया, पीछे से अव्वल आया, पर आया तो है ना अव्वल। कल से तेरा घूमना फिरना बंद और इसकी पढ़ाई लिखाई बंद। कल से तुम दोनों खेत में जाओगे। खेतों में तो हम सवेरे जाते हैं डिब्बा लेकर। अब दिन भर जाओगे, हल जोतोगे, बैलों के बदले काम करोगे। बैल की जगह काम करेंगे? भांजे मैं किस एंगल से बैल लगता हूँ जो मुझे बैल की तरह जोतेंगे? ये तू तो फिर भी लगता है। मैं तो बिल्कुल नहीं लगता, मैं कहाँ से जाऊंगा? मामे, ए मामे, अरे वो क्या देख रहा हूँ मैं, ये तो कड़ुआ है। हाँ, फटफटी बजा रहा है। कड़ुआ, ए कड़ुआ, अबे तेरी औकात कैसे बदल गई? अरे कड़ुए, अबे कुत्ते कड़ुए, हमें ये कड़ुआ क्या कड़वा ही लग रहा है ये तो। ये कड़ुआ, अरे यार ये कमाल करी बेड़े। ये देख रही है मोटरसाइकिल पे तोता बैठा है। तोते पे चश्मा लगा हुआ है, इस पे भी चश्मा लगा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा तोता कौन है आदमी कौन है। आदमी मैं हूँ यार, आदमी मैं हूँ। अरे कमाल की बाइक यार, कमाल का सूट यार। ये देख ये देख कंगी, ये चक्कर क्या है बताना यार। तूने मुंबई का नाम सुना है? अभी चल बजेगा मुंबई, तू क्या बात कर रहा है? ये वही के ठाट बाट है आराम जादे। मम्मी गाली क्यों दे रहा है? बाढ़ ज्यादातर लोग मुंबई में जिनका पैसा होता है ना वो स्मगलर हो जाते हैं। ये स्मगलर बन गया है ये। कड़वा चार चार आने में गोबर उठाने वाला कड़वा आज का स्मगलर बन गया। अबे क्या उल्टी सीधी आंक रहा है तू, पागल हो गया? मुंबई जड़ में जद्दार आदमी हूँ मैं, जिधर से मैं निकलता हूँ ना सब मेरे को सलाम ठोकते हैं। सलाम ठोकते क्या ठोकता है? ठोकता नहीं बे, तूने जैक्सन टैक्सन का नाम सुना है? अबे बहुत बड़ी कंपनी है, वहीं पे सर्विस करता हूँ मैं, बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मेरे नीचे 200 आदमी काम करते हैं। ठीक से देख यार, नीचे नहीं तेरे ऊपर करते होंगे यार। मटकी के द्वार में जैसे मटकी फोड़ते वक्त तेरे नीचे भी 200 आदमी काम करते हैं। क्या पागलों जैसी बात कर रहा है? नीचे काम करने से मेरा मतलब है कि मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं मेरे अंडर। अच्छा, तेरे को पगार कितनी है? 10,000 महीना। 10,000? मामे समझ गया यार, ये दिन भर कुत्ते की तरह काम करता है ये। वो क्या बात करता है, काय का काम ठाटते रहता हूँ मैं। ऑफिस में एयर कंडीशन की हवा खाता हूँ और सुन, मुश्किल से 8-10 फाइलें मेरे सामने आती है, साइन करता हूँ लट्टा देता हूँ। मामे बगल में से हटी यार, ये कड़वा, ये इस तरह से बगल मेहनत करने वाला काम मेरे को भी दिला देना यार। सुन, ओए तूने बीए पास किया है? बीए नहीं, बीए कॉलेज के आसपास से पास होता रहता हूँ, लेकिन कॉलेज से बीए पास नहीं किया। उसकी जरूरत नहीं है, इसके लिए डिग्री होना बहुत जरूरी है, समझा? तू एक काम कर, तू गांव में रह, ये तेरे बस का रोग नहीं है। मैं 4 आने में गोबर उठाता था, तू 8 आने में उठा, चल हट हट पीछे हट हट हट। ना चल के राख हो गया क्या? कोई बात नहीं, ना वो जिस गोबर की बात करके गया है ना, उसी गोबर को एक दिन उसके मुंह पे थोप देना तू। जीजा जी, भांजा कुछ कहना चाहता है? बात तो कहने वाली नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ बाबूजी। मुंबई क्यों? गांव का सत्यानाश कर दिया, अब क्या मुंबई खराब करने का इरादा है? बात सत्यानाश की नहीं है, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। नौकरी? तू और नौकरी? नौकरी के लिए हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, तू काहिल कामचोर, तू क्या नौकरी करेगा? जीजा जी, जब से भांजे ने कड़ुए को फटफटी में देखा है ना, तब से इसका दिल फटफटा रहा है कि मैं भी मुंबई जाऊंगा, मुंबई जाके नौकरी करूंगा। कलवे ने एमए पास किया, ये काहिल काम चोर 50 मरता, बीए में फेल हुआ, इसको नौकरी कौन देगा? मामा बता ना बीए के बारे में यार। जीजा जी, बीए का सर्टिफिकेट मिलना आजकल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा, कहाँ मिल जाता है? राशन की दुकान पे, सब्जी मंडी में? नहीं नहीं, वो रजिस्ट्रार है ना। रजिस्ट्रार है ना। रजिस्ट्रार तुझे सर्टिफिकेट क्यों देगा, तेरे बाप का राज चलता है। नहीं नहीं, आपका राज होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, पैसे का राज होगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या मतलब? सुनिए जी। लो जी जी बता देगी आप। अजी मैं बताती हूँ, उस रजिस्ट्रार की हथेली गर्म कर दी और उसे डिग्री तैयार करवा ली। तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैं इसको बिना परीक्षा पास किए हुए रिश्वत देकर बीए की डिग्री दिलवा दूँ? हाँ तो क्यों नहीं, आजकल तो आम ऐसा होता है। वो अपने वो पड़ोस के गाँव का वो कौन झिंगुर मोती, उसने भी तो यही किया था ना, पैसे जमा किए और उसने उसको दे दी वो जी 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 रजिस्ट्रार। हाँ, रजिस्ट्रार को दे दिया, उसने फौरन ना वो कौन से बस की डिग्री बनाई। जी जी, बस की नहीं, MBBS की डिग्री। हाँ यही डिग्री बनाई, और आज देखो ना वही झिंगुर मोती खानदानी काम छोड़कर डॉक्टरी कर रहा है और अंधाधुंध पैसे कमा रहा है। क्यों? अरे जीजा जी, मुंबई में टॉप का जूतों का डॉक्टर है। तुम अपनी बेहुदा दलीलों से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने नियम अपने उसूलों से गुजारी है, इसके लिए मैं अपने नियम नहीं तोड़ सकता। इस घर में जाली सर्टिफिकेट और रिश्वत की डिग्रियां नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी। माँ ये तो बहुत जाती है।
अब मैं नौकरी करने को तैयार हो गया तो कहते हैं शहर मत जा। अब मेरे भेजे में पढ़ाई नहीं आती तो मैं क्या करूं? अब पाव किलो के थैली के अंदर कोई बोरी भर अनाज ठूस देगा तो थैली फट नहीं जाएगी। माँ मैं समझाना माँ को। अरे अपनी जीजी को मैं क्या समझाऊंगा? अरे मैं तो समझी हुई हूँ बेटा, तू फिक्र मत कर, तुझे सर्टिफिकेट मैं दिलवा के रहूंगी। शादी भांजे मेरे बगैर बोर मत हो। तू बोर मत कर मुझे। ठीक है ये ले शादी, और मेरे चांद के लिए एक अच्छा सा बीए का सर्टिफिकेट लेकर आ। जी जी तू फिकर मत कर, मैं ना रजिस्ट्रार के पहले तो पैर पकड़ूंगा, फिर उसके पैर धोऊंगा, फिर उसका पानी पीऊंगा, और अगर साले ने सर्टिफिकेट नहीं दिया ना तो पैरों को सूखने नहीं दूंगा। इतनी देर पैर धोएगा? तू तो मुझे आशीर्वाद दे दे बस। अच्छी पैर धुलाई करियो। तू बड़ी अच्छी है, तू बड़ी भोली है, मेरी जीजी है। ये आवाज कैसी आ रही है बाबूजी? ये क्या है? आरती। आरती किसकी? अपने। कौन अपने? राजा जी की। धन धान्य सुतानि वत मनुष्यो मत प्रसाद। अरे ये किस खुशी में आप इसकी आरती उतार रही हैं? अजी मुबारक हो, आपका बेटा बीए में फर्स्ट क्लास पास हुआ है और मुंबई भी जा रहा है काम करने। बहुत अच्छे, मतलब आज तक ये जितनी भी बेहुदा फरमाइशें करता रहा तुमने सब पूरी कर दी, अब ये भी पूरी कर रही हो। क्यों ना करूं, मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है और इसके भविष्य के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल जानता हूँ, करो जो तुम्हारे जी में आए। अरे मेरी मर्जी तो ये है कि तुम इसे शहर तक छोड़ने जाओ। मैं? जी, पहली बार मेरा बेटा गांव से बाहर अजनबी शहर में जा रहा है, वहाँ उसके रहने का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त, ये सब कौन करेगा? आप ही को तो करना है ना। माँ वो रास्ते वाली बात। और हाँ जी सुनिए, रास्ते में मेरे बेटे को गालियां मत देते हुए जाइएगा। नहीं तुम कहो तो मैं रास्ते भर इसकी पूजा करता रहूंगा। अरे वाह भाया, इकोनॉमिक्स में 100 में से 100, इंग्लिश में 100 में से 98, अरे हिस्ट्री में 95 और ज्योग्राफी में 99। सेठ जी इम्तिहानों के दिनों में है ना, मेरे भांजी की तबीयत थोड़ी नरम थी, इस करके नंबर थोड़े कम आए हैं। इसको आप नंबर कम कहते हो? अरे भाया तबीयत ठीक होती तो क्या 100 में से 150 ले आता? नहीं 150 आवे नहीं आवे, मेहनत तो करनी चाहिए ना, क्यों मामे? बिल्कुल ठीक भांजे, और जी मेहनत करने में क्या हर्ज है, वैसे भी मेहनत करने में ना कुछ घिसता नहीं है। वाह वाह मिस्टर राजा, तुम बहुत ही महान हो। धन्यवाद जी। बेहद जहीन और होशियार लड़के हो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मेरा ऑफिस तुम जैसे पढ़ाई से भी ज्यादा पढ़े लिखे लड़के को काम पर रखने के लायक नहीं है। धन्यवाद जी। भांजे, ओ जी आपके कहने का मतलब ये है कि मेरे भांजे के लिए नौकरी का यहाँ कोई चांस नहीं है? नहीं जी, मैं तो इनको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूँ कि अगर ये मेरी ऑफिस में काम कर ले तो मेरी ऑफिस की तकदीर में 4 चांद लग जाएंगे। आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। ओ जी आपने एहसान का टॉपिक छेड़ा है तो मैं एहसान के बारे में आपको खोल के बता दूं कि मेरे भांजी ने ना सिर्फ आप पे एहसान नहीं किया है, पर ये तो इतना लायक इंसान है कि इसने इस संसार में पैदा होके ना पूरे संसार पे एहसान किया है। तो मामे इतना इमोशनल ना हो यार। ना होने दे रमन्ने। नहीं डर लग रहा है मन्ने। ना होने दे रमन्ने। ठीक है फिर होले। ओ जी एक दाढ़ी वाले बाबा जी ने हिमालय पर्वत पे हाथ उठा के कहा था कि ये छोरा है ना पारस है पारस, ये अगर सोने को छू देना तो वो पत्थर बन जाए। क्या मतलब? ओ जी इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब है ये पत्थर को छू देना तो वो सोना बन जाए, और जी ये तो अगर बंजर जमीन में एक ठोकर मार देना तो वह तेल का कुआं निकला है। तो मेरी जमीन में एक ठोकर मरवा दो इससे। यहाँ तेल नहीं निकलेगा सेठ। क्यों भाया? आप 10वें माले पर रहते हो ना, ग्राउंड फ्लोर पर रहते तो हम आपका तेल निकाल देते। भांजे क्या कह गया तू? मामा मासूम हूँ बोल गया। अच्छा मैं आपको प्रार्थना करके कहता हूँ कि आपसे ज्यादा सीनियर लोग भी हैं तो उनसे ज्यादा पगार आपको दे नहीं सकूंगा, आपको सिर्फ महीने का 5,000 रुपया दूंगा, चलेगा? 5,000 कम है? कम है नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, 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 चले, चले। वाह मेरे से भी मेरा जी। तू तो दी खोल रहा है? अरे तू खोल रहा है, मैंने सोचा मैं भी खोल रहा। मैं जो कुछ करूंगा वो तू भी करेगा। बात कर रहा है मामे।
बहुत लंबी लाइन लगी है। लंबी लाइन है तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, फिर लेट हो जाएंगे। अरे जब तक तेरा नंबर आएगा बस में बैठ जाएगा तब तक मैं तेरे को तैयार कर दूंगा। तैयार तो हूँ, तैयार क्या होना है। अरे अच्छे बच्चे जब ऑफिस जाते हैं ना तो तैयार होके जाते हैं। तो क्या करूँ? ले पकड़, ले ये निकाल मंजन। ले सब तो मुझसे करवा रहा है, तू क्या कर रहा है? अरे तू रख ये सफेद सफेद दांतों में। हाँ रख रहा हूँ ना। मान जब दांत मांजूंगा ना। मान तो सही, फिर मान रहा हूँ। जबरदस्ती मंजवा रहा है, ला वापस रख। थर्मोज ना खोल के ना। अच्छा बच्चा खोल खुलवा। अरे बाद में अरे मुंह तो गीला कर लूं। ओहो ले डाल इसमें। अब क्या करोगे? अरे मैं इसको घोड़ूंगा, मैं घोड़ता रहूंगा, तुम मारता रही हो। दाढ़ी भी तो बनानी है तेरी। हाँ हाँ। अरे क्या कर रहा है? कमाल है। क्या करता है? देखो मामे, अरे मैं तो सुबह भूल ही गया यार, वो सूर्य को प्रणाम करना भूल गया मामे। बड़ी गलती होगी, बड़ी गलती होगी। एक मिनट मारे। ओम सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। और बच्चे की सारी बोतल खाली कर दी एकदम। कोई बात नहीं, फिर भर लेगा, भर लेगा। फिर ला दिखा, कार्ड दिखा अपना। हाँ। और दाढ़ी बढ़वाते हैं, बात नहीं करते। मामे किसी दूसरे बच्चे के पास थर्मोस है क्या? नहीं वो गड़बड़ हो गई ना, वो पानी खत्म हो गया इसका। बच्चे पानी दे मेरा। अरे बना दिया ना एकदम धर्मेंद्र तेरे को। अच्छा धर्मेंद्र मुझको बोल रहा, लाइन तू मार रहा। अरे क्या कर रहा है अब? ना 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 ऐसे कर रहा है जैसे होली आ गई हो। अरे अल्लाह मुंह पोछ लूं मामे, ला लूंगी दे दे। अरे क्या कर रहा है अब? अच्छा तो कुर्ता दे दे, इतना शर्मा क्यों रहा है तू? अरे बस नहीं आ रही। अरे इतना काम नहीं होता यार, काम नहीं होता मुझसे। आ जाओ डालिया, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ इधर आ जाए, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, संभाल के अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे से खाओ, मैं अभी आता हूँ। एक कड़वा, अबे कड़वा साले, कड़वा साला तू इधर क्या कर रहा है यार? कड़वा क्या कड़वा कड़वा कर रहा है? ये गांव नहीं शहर है, मुंबई शहर। यहाँ लोग मेरे को काली जान के नाम से जानते हैं। अब यहाँ लोग तेरे को काली जान के नाम से जानते होंगे, लेकिन मेरे लिए तो गांव का कड़वा है, चार चार में गोबर उठाने वाला। हाँ साले तू गांव के अंदर बड़ी शेकी मारता था कि तू मुंबई शहर में ऑफिसर बन गया है, यहाँ आके किसी का ड्राइवर ही कर रहा है क्या? चुप इडियट, वो मैं ड्राइवर नहीं, ये मेरी गड्डी है। ए साला क्या लंबी लंबी छोड़ रहा है? अरे क्या लाखों की गड्डी और कहा चार चार में गोबर उठाने वाला तू कड़वा। चुप 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 चुप। एक मिनट सुन, मैं तेरे को बताता हूँ चक्कर की है। उधर अंदर झाके देख कौन है, झाके देख। कौन है? मोटी चश्मे वाली जवानी। चुप चुप, धीरे बोल धीरे बोल। वो मेरी बीबी है। क्या बात कर रहा खड़वा? हाँ एक करोड़पति बाप की बेटी है, मैं इसको फंसा के इसके साथ शादी कर लिया हूँ और इसके पैसों पे ऐश कर लिया हूँ। क्या बात कर रहा है खड़वा? कोई तनाई नहीं, कल मैं स्विट्जरलैंड से आया हूँ और परसों लंदन जा रहा हूँ। तू बोल क्या रहा है खड़वा? तू फिर मेरे को कड़वा कड़वा बोल रहा है? तू मेरे को कड़वा कड़वा क्यों बोल रहा है? मेरे को मैं बोला ना, अगली बार जब मेरे को मिलेगा तो काली चरण के नाम से बुलाना, कड़वा के नाम से नहीं बुलाना। ठीक है मैं चलता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है कड़वा, काली चरण यार, काली चरण। चार चार आने में गोबर उठाने वाला काली चरण, चार चार आने में गोबर उठाने वाले काली चरण सेठ। साला गोबरदास झाड़ू मर गटरपुरी, करोड़पति की बेटी का पति बनकर खुद करोड़पति बन गया। हे भगवान, मेरे को भी एक ऐसी लड़की से मिला दे जिसका बाप करोड़पति हो। ओह माय गॉड, अरे बाप रे। अरे ओम नम साहब, दीदम फूट गया क्या? गाड़ी से हम गरीबों को कुचलने निकली है क्या? भाई साहब आप अचानक बीच में आ गए, तो मैं क्या करती? पैसा आ गया तो चर्बी चढ़ गई है क्या? भाई साहब ये क्या मांग रहा है? कुछ नहीं भाई, करोड़पति की बेटी है, पैसों की अकड़ में ठोक गया गरीब पिठेले को। ये करोड़पति की बेटी है? सेठ धनपत राय का नाम सुना है? सेठ धनपत राय शहर का सबसे बड़ा रईस है, शहर का सबसे बड़ा रईस, उसकी इकलौती। हमें माफ कर दीजिए, गलती हमारी है। देखिए भाई साहब आप हमें माफ कर दीजिए। क्या माफ कर दीजिए? ये जो नुकसान होता पैसा कौन भरेगा? देखिए आप फिक्र मत कीजिए, आपका जितना भी नुकसान है हमें बताइए, हम आपको पैसे दे देंगे। तो ठीक है निकालिए 50,000 रूपए। 50,000? एक मिनट ये भाई साहब ये क्या गुंडागर्दी है? अरे काहे की गुंडागर्दी, हम तो इंसाफ मांग रहे हैं। वो देखो मेरे ठेले की हालत, अगर मैं मर जाता तो। अरे लेकिन मरे तो नहीं ना, और कहा आपका ठेला? अरे क्या भाई साहब, सिर्फ 200 रुपए का नुकसान हुआ है और उसके एवज में आप 50,000 रुपए मांग रहे हो? अरे तुम कौन होता है बीच में बोलने वाला? मैं कौन होता हूँ? अरे मैं आप लोगों में से एक हूँ, आपका एक गरीब भाई। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं आपकी तरह डाका नहीं डालता। क्या हम डाकू लग रहे हैं क्या तुमको? डाकू नहीं तो और क्या हो? अरे 200 रुपए के एवज में 50,000 रुपए मांग रहे हो?
लेकिन भाई साहब आप ठेला चलाते हो ना, हाँ। इसका मतलब भाई साहब आपका जमीर जिंदा है। और माफ कीजिएगा, जिसका जमीर जिंदा होता है ना वो आदमी मर जाएगा, लेकिन कभी किसी की ऐसी दौलत पर हाथ नहीं डालेगा जिससे उसका हक ना हो, क्योंकि हम गरीब हैं, भिखारी नहीं, लुटेरे नहीं। आप महान है भाई साहब, आपने तो मेरी आगे खोल दी भाई साहब। ये ले 200 रुपए पकड़। आपने तो मेरी आगे खोल दी। ये आप क्या कर रहे हैं? आप जाइए, आप जाइए। थैंक यू। तू जा, आप जाइए। अरे जाइए ना। चल सोनिया। इस लाल गाड़ी का पीछा कर, करोड़पति की मालूम है।